कैप को हमने बार्बी डॉल बने देखा, अब कैट्स का एनिमेटेड वर्जन हम देख पाएंगे बच्चों की नर्सरी राइम्स एल्बम में, जिसमें वो बनी है एक फेरी। सेलिना जेटली ने रिसेंटली उनके बॉयफ्रेंड पीटर हाग से ऑस्ट्रिया में शादी कर ली थी, जिस वजह से ये अफवाह फैल गई कि सेलिना की प्रेगनेंसी की वजह से इस कपल ने इतनी हड़बड़ी में शादी कर ली। लेकिन सेलिना इस खबर से काफी अपसेट है और उनकी माने तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये कहा कि सैफ अली खान के ऑपोजिट उनकी अगली फिल्म का नाम कॉकटेल नहीं है और अभी तक फिल्म का टाइटल फाइनलाइज नहीं हुआ है। दीपिका का कहना है कि ओम शांति ओम और लव आजकल के बाद ये तीसरी फिल्म है जो उनके लिए काफी स्पेशल है। करीना कपूर ने तो उनकी फिल्म हीरोइन के प्रोड्यूसर से इस फिल्म के प्रॉफिट शेयर करने की डिमांड की है। बिल्कुल उसी तरह इस फिल्म के एक्टर अर्जुन रामपाल के साथ भी इस फिल्म के प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अनुराग कश्यप इन दिनों काफी खुश हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म माइकल 15 सितंबर को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन की जाएगी। वैसे इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में नसीरुद्दीन शाह के साथ माही गिल भी अहम किरदार में दिखेंगी।